हेलो दोस्तों, बात करेंगे आज इस वॉशिंग मशीन के बारे में। दोस्तों, ये सैमसंग की टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। इसमें प्लग लगाने के बाद किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा दोस्तों, ना ही इसमें कोई इंडिकेटर जल रहा, ना ही ये ऑन हो रही है। जैसा कि पावर प्लग में इसको लगाकर आपको ऑन करके बताता हूँ, ये मैंने ऑन कर दिया है और जैसा कि आप देख रहे हो इसमें किसी भी तरह का कोई इंडिकेटर नहीं जल रहा है, ना ही कोई इसमें साइन आ रहा ऑन होने का। मैं पुश करके देख रहा हूँ और मैं एक बार फिर से बटन ऑन ऑफ करके आपको बताता हूँ कि इसमें ये ऑन हो रहा है कि नहीं। पावर की प्रॉब्लम है कि क्या है दोस्तों, फिर से बंद ऑन ऑफ कर रहा हूँ इसको। ये मैंने ऑन किया और अभी भी आप देख सकते हो किसी भी तरह का इंडिकेटर या साइन इसमें नहीं आ रहा ऑन का। तो दोस्तों, इसमें क्या परेशानी है, तो चलो मैं इसको खोलता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसमें क्या परेशानी है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो इसे खोलते हैं। और सबसे पहले हमको ये जो पीछे का हिस्सा देख रहे हो दोस्तों, आप ये देख रहे हो इसके दो पेच लगे हुए, ये वाला और ये वाला, ये दोनों पेच हमको खोलने होंगे। और खोलने के बाद इसके अंदर जो वायरिंग है हमें वो चेक करनी होगी कि हो सकता है इसमें फ्यूज उड़ा हो या कोई वायर शॉर्ट हो गया तो क्या है दोस्तों, वो खोलने के बाद ही हमें पता लगेगा। हम इसको खोल लेते हैं और खोलने के बाद फिर आपको बताते हैं कि इसमें क्या परेशानी है, उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, जैसे देख रहे हो मैं अभी से खोल रहा हूँ, ऐसे ही आपको भी खोलना है, बैक साइड सिर्फ आपको यही खोलना है। और खोलते समय आपको ध्यान रखना है कि इसके जो लॉक है वो टूटे नहीं, जैसे कि मैंने निकाला बिल्कुल ईजिली दोस्तों, मैंने अभी इसको पूरा खोल लिया है। और खोलने के बाद हमें जो चेक करना वो ये, जो आप इसके पीछे देख रहे हो पैक में दोस्तों, पैक करा हुआ है। सबसे पहले हमें इसकी पन्नी देखनी है कि तार वार से टूटा हुआ तो नहीं है। और ये जो फ्यूज़ बॉक्स देख रहे हो, सबसे पहले हमें इसे बाहर निकालना है और इसके अंदर देखना है कहीं इसका फ्यूज़ उड़ा हुआ तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है। दोस्तों, एक बार इसे खोल लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो फ्यूज़ इसका बिल्कुल सही है, फ्यूज़ में कोई परेशानी नहीं, इसका फ्यूज़ भी ओके है। बट जब फ्यूज़ भी ओके है तो इसमें क्या परेशानी है, इसके जो फ्यूज़ के जो कॉन्टेक्टर है उसमें कार्बन जम गया दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा कार्बन जम गया है। मैं इसका फ्यूज़ निकालता हूँ और निकाल के इन दोनों कॉन्ट्रेक्टर को चिपका के आपस में फिर एक बार चालू करके दिखाता हूँ आप दोस्तों। हमने इसको डायरेक्ट कर दिया और आपको ध्यान देना जब भी आप ऐसा काम करो तो बॉडी पर टच नहीं हो कहीं से भी, क्योंकि करंट आ सकता है इससे आपको। अब मैं इसको चालू करता हूँ और आपको फिर दिखाता हूँ दोस्तों, उसके पिन लगा। जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, ये बिल्कुल ऑन हो गई, इसका मतलब हमारे फ्यूज़ की ही प्रॉब्लम थी। जैसा कि आप देख रहे हो बिल्कुल ये फर्स्ट क्लास ऑन हो गई है, देख रहे हो इसके सारे इंडिकेटर जल गए। एक बार मैं फिर से ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो फिर से ऑन करता हूँ और ये देखो फिर से मैंने ऑन कर दिया। तो दोस्तों, ऑन ऑफ करने के बाद हमारे सारे बटन भी सही काम कर रहे हैं बिल्कुल इसमें पुश होने के बाद। और जैसा कि मैं स्टार्ट बटन दबाता हूँ, ये जो इंडिकेटर आप देख रहे हो इसमें पीसीबी के, ये देख रहे हो आप जो बिलिंग कर रही है A1 by 1, दोस्तों हमारी पीसीबी बिल्कुल ओके है। और अब हम इसके जो फ्यूज़ के कॉन्टेक्टर हैं हम उन दोनों को निकाल कर अच्छे तरह से साफ़ करेंगे कार्बन को। दोस्तों, काफ़ी टाइम पुराने होने के बाद ये प्रॉब्लम आने लग जाती है। अब हम इसे साफ़ करेंगे और साफ़ करके इसे फ्यूज़ इसमें वापस लगा देंगे। जैसा कि आप देख रहे हो ये जो फ्यूज़ है इसको हमने अच्छी तरह से घिस के साफ़ कर लिया है। अब इसके दोनों कॉन्टेक्ट पत्तियों को साफ़ करना है। जैसा कि आप देख रहे हो मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ, तो ये जो दोस्तों आप देख रहे हो टूट गई है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई है ये और काफ़ी ज़्यादा कार्बन लगने की से गलने की से टूट गई है। तो अभी हम इसको डायरेक्ट लगाएंगे बिना फ्यूज़ के, जिससे ये प्रॉपर काम कर सके। और थोड़ा टाइम बाद हम इसको वापस दोस्तों, अभी तो हम इसको डायरेक्ट लगा रहे हैं और बाद में हम इसका फ्यूज़ वोज ला के इसको चेंज कर देंगे, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। आप चाहो तो उसको डायरेक्ट भी चला सकते हो, बट मेरा कहना यही है कि आप हो सके तो उसमें फ्यूज़ वापस लगाओ, क्योंकि फ्यूज़ हमारे काफ़ी सेफ्टी करता है और काफ़ी हमारे सिस्टम को बचाता भी है दोस्तों। इसलिए हमें फ्यूज़ नहीं निकालना है, वो तो इमरजेंसी है, इसलिए मुझे डायरेक्ट इसको ला कर चेक करना पड़ेगा और चलाना पड़ेगा, बाकी बाद में मैं इसको चेंज कर दूंगा। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा समय निकाल कर और फ्यूज़ बॉक्स वापस ला कर ही लगाना पड़ेगा और वही सही होता है दोस्तों, काम करने का सही तरीका तो वही है। हमने इसको दोस्तों तार को काट के दोनों को आपस में अच्छी तरह से जोड़ दिया है और फिर हम इसको टेपिंग कर रहे हैं। आपको भी जब भी आप किसी भी तरह का वायर को जॉइंट करते हो दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना टेपिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से करनी है, बिल्कुल तरीके से आपको टेप करने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, नहीं तो करंट लग सकता है। और फिर जैसे टेपिंग करने के बाद अच्छी तरह से ये जो पॉलीथीन से हमने लगा रखा इसी तरह से आपको पूरा सिस्टम पैक करना और फिर हम इसका कवर वगैरह लगा देंगे दोस्तों। ये बिल्कुल ओके है क्योंकि हमने इसको पहले चेक कर लिया था। और ये जो नीचे आप ड्रेन पाइप देखो दोस्तों, उसको हमें ड्रेन पाइप इसका लगाना है जो अभी हम लगाएंगे। अब जैसे हमने इसके पीछे कवर खोला था, हम वापस उसको ऐसे ही लगा देंगे जैसे हमने इसको खोला था, जैसा कि आप देख रहे हो। इसी तरह आपको भी बिल्कुल तरीके से लगाना दोस्तों, ये बिल्कुल लग गया है। और इसके जो पीछे के दोनों पेज हैं हम वो लगा देंगे और लगाने के बाद फिर मैं इसको अच्छी तरह से आप चेक करके, और ये ड्रेन पाइप हमने लगा दिया है, कंप्लीट करने के बाद मैं आपको चेक करके बताऊँगा, इसको चला कर भी दिखाऊँगा दोस्तों कि इसका क्या रिस्पॉन्स है, क्या कंडीशन है और ये क्या प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई कि नहीं हुई।
तो जैसा कि आप देख रहे हो हमने इसको उसकी जगह पर सेट कर दिया है और पैक करने का कंप्लीट इसकी जगह पर कसका दिया है। अब मैं इसकी केबल उठाकर इसको लगाकर और आप पर चलाकर दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हो मैं इसकी केबल ली और केबल लेने के बाद मैंने इसको प्लग में लगा रहा हूँ और मैं ऑन कर रहा हूँ। जैसा कि ऑन करने के बाद आप देख लो हमारी सारी लाइटें ऑन हो गई दोस्तों। तो हमारी जो मेन परेशानी थी वो फ्यूज़ के अंदर कार्बन जमने की वजह से थी दोस्तों। अब जैसा कि आप देख रहे हो फर्स्ट क्लास वर्किंग कर रही है, ये दोनों साइड ये घूम रही है, इसका मतलब हमारी जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल सॉल्व हो गई है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो इसका जो स्पिन है बिल्कुल फर्स्ट क्लास वर्किंग कर रही है, ये स्पिन कर रही है मोटर अभी। तो ये जो वॉशिंग मशीन है इसमें प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई है और जो स्पिन मोटर है बिल्कुल फर्स्ट क्लास वर्क कर रही है। तो दोस्तों इसी तरह आप भी अपने घर पर ही बिना किसी की मदद और सहायता के आप भी इसे रिपेयर कर सकते हो। ये जो भी परेशानी होती है दोस्तों ये सब ज़्यादातर तो बारिश की वजह से ही होती है, क्योंकि बारिश के मौसम में मॉइस्चर आने लग जाते हैं जिसकी वजह से कार्बन लग जाता है। तो ज़्यादातर तो बारिश के मौसम में ही ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें परेशान करती है, जैसे कि वॉशिंग मशीन हुई। तो हमें बिना किसी मैकेनिक के हम भी इसको घर पर रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने करी। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।